सब्सक्राइब कीजिए टेक रेस्ट यूट्यूब चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। तो आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं अनबॉक्सिंग मोजा मिनी एस गिम्बल की, जो कि मेरे हाथ में है। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा बॉक्स मोजा मिनी एस का, जिस पे ब्रांडिंग हुई है मोजा की यहाँ पर, और नीचे लिखा हुआ है मिनी एस एसेंशियल स्मार्टफोन गिम्बल। और ऊपर की तरफ इसे देखें तो यहाँ पर मोजा कैप्चर द वर्ल्ड लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो है वो कुछ इसके बारे में, फंक्शन के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, पहला फंक्शन जो है वो है फोल्डेबल डिज़ाइन है, दूसरा ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, तीसरा है फोन कैमरा कंट्रोल, पोर्ट्रेट मोड, वन बटन जूम, इजी टू बैलेंस। यहाँ पर सारी चीज़ें अलग अलग बताई गई हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर है ये, इसके बारे में कुछ पैकिंग दे रखी है कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो यहाँ पर मिनी एस यानी जो गिम्बल है वो मिलेगा, एक मिनी ट्राइपॉड है जो इसके नीचे लगेगा, चार्जिंग केबल है, और आपका जो है कैमरा कंट्रोल केबल है, और स्टोरेज पाउच है जिसके अंदर आप इसे रख सकते हैं, यूज़र मैनुअल है कि आप इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं या आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नेम ऑफ कंपनी दे रखा है, और इसकी जो MRP यहाँ पर दे रखी है वो है 7,990 रुपये। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये मुझे कितने का मिला है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो जनवरी 2020 की है। ये तो ये हमारा एक नया बिल्कुल अभी का गिम्बल है, यानी ये ज़्यादा पुराना नहीं है, कि बहुत से टाइम बहुत सा होता है कि जो रखे हुए होते हैं ज़्यादा वक्त के। तो इसे जल्दी से करते हैं हम अनबॉक्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपना नाइट और हम इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले साइड को, और यहाँ पर एक स्ट्रेप सा है जिसे हम खींच कर बाहर निकालेंगे, इसका जो बॉक्स है वो बाहर आएगा। तो यहाँ से इसका मेन कंटेंट यहाँ पर रखे हुए हैं। तो बॉक्स में तो फिलहाल ये साइड को रखते हैं, इसमें कुछ है नहीं। और ये रहा हमारा एक गेटिंग स्टार्टेड गाइड है, यानी पेपर है जिसके अंदर अलग अलग मोड दिए हुए हैं इंग्लिश में और चाइनीज़ में, कि आप इसे फर्स्ट कैसे सेटअप कर सकते हैं, यानी उससे पहले स्टार्टिंग किस तरीके से की जा सकती है इसकी। इसे रखते हैं साइड में। ये है एक दूसरा इसकी ब्रांडिंग, ये एक तरह का स्टिकर मुझे को मालूम हो रहा है कि आप इसे कहीं पर चिपका सकते हैं। तो इसमें अलग अलग तरह के ये स्टिकर्स दिए गए हैं। तो इसे रखते हैं साइड में। और ये रहा इसका यूज़र मैनुअल, जो इसका मेन यूज़र है कि आप इसे कैसे चला सकते हैं, इसके अंदर सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इसे भी रखते हैं साइड को। और उसके बाद ये रहा सिलिकॉन जेली, तो इसे भी रखते हैं साइड में। और इसमें सबसे पहले जो इसकी ये है केबल है जो इसकी चार्जिंग के काम आती है, यानी जो माइक्रो टाइप सी है, सी केबल है, और इसे आप अपने चार्जिंग एडाप्टर से चार्ज कर सकते हैं, रहा साइड में। और ये दूसरी केबल है जो इसे कैमरा कंट्रोल के लिए है, यानी गिम्बल कंट्रोल इसके थ्रू होगा। इसे रखते हैं साइड में। और साथ में रहा ये पाउच जिसके अंदर आप इसे कैरी कर सकते हैं कहीं पर भी। तो ये सॉफ्ट है काफ़ी, ब्लैक कलर का। और इसे रखते हैं साइड में। और ये रही साथ में इसकी ट्राइपॉड। साइड में और अब निकालते हैं इसका मेन गिम्बल। यहाँ रहा हमारा गिम्बल, और इसे हम
साइड में करते हैं। पहले तो इसका ये स्विच है जिसे हम नीचे दबा के इसे ऊपर की साइड में करते हैं, तो ये फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो स्विच है ये एक जॉयस्टिक है जिसके थ्रू इसे आप घुमा सकते हैं। ये रहा एक इसका डायल जिसके थ्रू आप इसके डिफरेंट मोड यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर अलग अलग तरह के मोड हैं। यहाँ पर एक स्विच है जो ऑन ऑफ का है, और ये रहा इसका चार्जिंग का पोर्ट जिसके थ्रू आप इसे चार्ज कर सकते हैं। ये रहा बैटरी इंडिकेटर जिसके थ्रू ये आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कितनी बैटरी बाकी है। और ये रहा टी और डब्ल्यू स्विच, और नीचे की तरफ है इसका ट्राइपॉड टू, तो जिसके थ्रू हम यहाँ पे से ट्राइपॉड लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ट्राइपॉड लगा कर देखते हैं। ये हमारा अब लग चुका है। मैं आपको थोड़ा इसे और ऊपर करके दिखाता हूँ। ये रहा हमारा पूरा जिम्बल, और हम इसमें जल्दी से अपने फ़ोन को माउंट कर लेते हैं और इसे बैलेंस करते हैं। तो दोस्तों, आपको अपना मोबाइल बैलेंस कर लेना है, तो मोबाइल बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा बहुत आगे करना है। वैसे इसमें ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बैलेंस करने के लिए, वरना ज़्यादातर जो गिम्बल आते हैं उसके अंदर पीछे के स्क्रू होता है जिसके थ्रू इसे बैलेंस करना होता है। आपको बस इतना ही रखना है कि इसे थोड़ा बहुत आगे पीछे करके देखिए, क्योंकि ये नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। ये जहाँ पर इसे छोड़ दें वहीं पर अगर रहता है तो इसे बैलेंस समझा जाएगा। तो इसे थोड़ा यहाँ आगे राइट पे जा रहा है, हल्का सा पीछे करते हैं इसे। तो इसे अब जहाँ छोड़ दिया ये वहीं है, और यहाँ कर दिया तो यहीं है, इसका मतलब ये बैलेंस हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के अंदर सबसे पहले इसकी मोज़ा जिनी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, तो आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे डाउनलोड कर ली है और मैं इसे ओपन करता हूँ। तो इसे ओपन कर लिया है। इसके साथ ही आपको अपना ब्लूटूथ भी ओपन करना पड़ेगा। ब्लूटूथ जब ओपन हो जाएगा तो ये ब्लूटूथ से ही कनेक्ट हो पाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको अपना ये जो गिम्बल है इसे ऑन करना होगा। तो इसे थोड़ी देर लॉन्ग प्रेस करेंगे, जो इसका पावर बटन है ये हो गया हूँ। यहाँ पर इसकी इंडिकेटर आ गया है बैटरी का, और इसे हम अब कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक जो है शुरू में आपसे परमिशन मांगता है, नो इट करते जाइए। उसके बाद जो है यहाँ पर ब्लूटूथ का एक सिग्नल आ रहा है, आपको यहाँ पर उसे करना है। और उसके बाद जो यहाँ पर मोज़ा मिनी ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, आपको यहाँ पर टैप करना है। वो साइड में ये सर्चिंग चल रही है, अब ये कनेक्ट हो गया है। तो इसका जो ट्यूटोरियल की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको आने वाली वीडियो में इसका रिव्यू दे दूंगा फुल, आपको इसे कैसे करना है। और इसकी जो वीडियो बनी हुई आएगी वो आपको दूसरे चैनल पर मिल जाएगी, जो मेरा दूसरा चैनल है मेरे ही नाम से, यानी मोहम्मद सादिक के नाम से है ये। टेक रेस्ट पर आपका इसका रिव्यू मिल जाएगा कि आप इसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं और कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो जो इसकी प्राइसिंग की बात करें, तो जैसे कि मैंने कहा था कि इसके एंड में इसकी बात करेंगे, तो ये लगभग आज के वक्त में ऑनलाइन 5,300 रुपये के आसपास है। और मैंने इसे ऑफलाइन लिया है क्योंकि वो डिलीवरी में थोड़ा ज़्यादा टाइम दिखा रहा था और मुझे इसकी ज़रूरत अभी थी, तो मैंने इसे ऑफलाइन लिया है। 5,400 रुपये का पड़ा है ये, 5,400 रुपये का। तो मुझे 100 रुपये एक्स्ट्रा लगे, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे
अभी चाहिए था, तो ये इस प्राइस रेंज में सबसे अच्छा गिम्बल माना जाता है। तो दोस्तों, इस गिम्बल का रिव्यू मैं आने वाली वीडियो में करूंगा, ये किस तरीके से काम करता है और इसकी कुछ फुटेज भी। तो मेरा एक चैनल दूसरा है, मैं उस पर व्लॉगिंग करने के बारे में सोच रहा हूँ, तो ये उसी गिम्बल के थ्रू मैं करूँगा। तो आप वहाँ पर चल कर इसकी वीडियो देख सकते हैं जो मैं आने वाले वक्त में करूँगा। तो लगभग एक हफ्ते बाद यानी संडे के दिन आपको वीडियो देखने को मिल सकती है। तो अलग से मैं के रिव्यू भी इसका बना दूंगा, इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप इस चैनल पर भी देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।